जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में क्लेप सेंटेंस जो मैंने पिछले क्लास में शुरू किया था उसी का एक्सटेंशन है पिछले क्लास में मैंने क्लेप सेंटेंस के बारे में जो बताया था वो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूं आपको कोई भी चीज़ जब हम ग्रामर के कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे जरूरी चीज़ होता है कि उसका जो डिफिनीशन है जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको हम दिमाग में अच्छे से रखें क्योंकि अगर डिफिनेशन को और ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं रखेंगे तो पैटर्न हमारा गलत हो जाएगा और आगे हम गलतियां बहुत सारे करते रहेंगे तो जो गोल्डन रूल है वो यही कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं पहले उसको अच्छे से डिफाइन करें और उसके बाद उस पर काम करें तो 100 परसेंट एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट हर बार मिलेगा दोस्तों क्लेफ्ट जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्प्लिट करना डिवाइड करना तो क्लेप्ड सेंटेंस हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस कोई भी रहेगा उसको हम दो हिस्सों में बांटना है ताकि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूं इसका एक खास पर्पस है इसका पर्पस है कि आप जो रिटेन इंग्लिश आप चाहते हैं कि अच्छा हो या जब बोलते हैं तो उसमें से भी एक क्लास दिखे तो इसके लिए सैक्रो टूल्स है इंग्लिश में अभी तक हम लोग नाउन प्रोनाउन भर एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन ये ग्रामेटिकल पार्ट्स पढ़ते हैं वो तो बहुत ज़रूरी है बेसिक चीज़ है लेकिन इसके अलावा भी हंड्रेड ऐसे टूल्स हैं जिससे हम बढ़िया नोवेल लिख सकते हैं बढ़िया आर्टिकल्स लिख सकते हैं अच्छा ऐसे लिख सकते हैं अपनी राइटिंग को पूरा एक धार दे सकते हैं तो वो हंड्रेड टूल्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा ये सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब चैनल पर मैं कंटिन्यू रहूँगा हाँ टाइमिंग हो सकता है कि एक मार्च से चूंकि मेरा एक नया ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है तो उसका टाइमिंग एट टू टेन है तो इसका टाइमिंग पहले रख दिया जाएगा सेवन टू एट कर दें या सिक्स टू सेवन कर दें या टेन के बाद करें वो हम लोग कर आ, डिसाइड करके कर लेंगे लेकिन यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू हमारा जो अभियान है कि आपको बढ़िया अंग्रेजी लिखना सिखाना है और अंग्रेजी का सही जो इसेंस है उसको आपको महसूस कराना है वो कंटिन्यू हमारा प्रयास चलता रहेगा 2022 में जो एक कमिटमेंट के साथ एंट्री लिए हैं उसमें चीज़ों को बेहतरीन हर बार आपको एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा हर वीडियो पहले वाले वीडियो से बेहतरीन होगा ऐसा मैं सोच के हर एक चीज़ आपको दूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनका फ़ायदा मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि इंग्लिस क्या है और जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी दुनिया है एक उस दुनिया में भी हमें देखना है झांकना है और बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करके उससे निकलना है ताकि हमारा जो एक ज्ञान के प्रति जो झुकाव है एक ज्ञान के प्रति जो प्यास है वो आपको उसमें तृप्ति मिल सके तो क्लिप सेंटेंस के बारे में आपको यही समझना है कि ये सिंपल सेंटेंस को डिवाइड करके बताता है तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कुछ ऑल क्लेप्ट सेंटेंस के बारे में डब्ल्यू एच क्लेप्ट सेंटेंस के बारे में या इट क्लेप्ट सेंटेंस के बारे में तो कुछ और एडिशनल जो है जैसे इन्फेंशियल या रिवर्स डब्ल्यू एच क्लेप्ट सेंटेंस है या डब्ल्यू एच में डब्लू एच से शुरू होने वाले सिर्फ वर्ड से शुरू किए थे इसके अलावा जितने भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हैं सबसे हम क्लिप्ट uh, सेंटेंस बना सकते हैं सिर्फ हुज कुछ होर के बाकी सबसे हम बना सकते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिएगा कि हम जो सेंटेंस जो हम आपसे पूछते हैं उसको आप अपने तरीके से एक्सप्रेस सिंपल सेंटेंस में भी कर सकते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स में भी बनाना आता है आपको और कॉम्प्लेक्स को सिंपल भी बनाना आता है जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा था यहाँ पे थोड़ा एडिशनल चीजें हैं कि हम चीजों को सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना तो जानते हैं लेकिन उस कॉम्प्लेक्स में जब इम्फेसिस डालने की बात हो रही है तब जरूरत पड़ता है हमारे क्लेप सेंटेंस का तो जब इम्फेसिस डालना हो ताकि रीडर को जब आप कुछ लिखें तो रीडर को भी महसूस हो कि हाँ कुछ वेराइटीज है कुछ अलग है और अपनी भावनाओं को या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्लेप्ट सेंटेंस एक ऐसा टूल्स है ना जिसमें हम एडजेक्टिव को भर्व को अभी तक तो हमने पढ़ाया कि सिर्फ नाउन को ही सब्जेक्ट के रूप में हम बना सकते हैं प्रोनाउन को बना सकते हैं लेकिन स्ट्रेस देने के हिसाब से इम्फेसिस डालने के हिसाब से हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को का का जो है, है इसके माध्यम से किसी भी पर, parts of speech को adjective को adverb को phrase को हम subject के रूप में बना सकते हैं। लेकिन कब? जब हमें जरूरत पड़े डालने का, तभी यूज करना है इसका। तो मैं आपको दूंगा जिससे रिटेन इंग्लिश के प्रति आपका जो लगाव है उसमें कई गुना वृद्धि हो जाएगा और आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हो जाएंगे कि किस तरीके से एक स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड क्लास राइटर सोचता है लिखता है वो सारे गुण आपके अंदर में भी डेवलप हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं और एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ आपको पता ही है मैं रोज बताता हूँ थोड़ा सा कि कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लाइव क्लास इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन यानी कि ये ग्रामर का नहीं है पूरा सब टॉपिक है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन है जो एक मार्च से शुरू हो रहा है आपका और ये आठ महीने का कोर्स है और ये दो साल इसमें वैलिडिटी है और इसका जो उद्देश्य है कि इस कोर्स में जितने भी ग्रामर के रिटेन के वोकेबलरी के ये सारे जो हैं ये सारे टॉपिक जो हैं दोस्तों एक बार मैं बता दूं कि ये कोर्स को शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है इसमें ग्रामर के सारे टॉपिक रिटेन के सारे टूल्स आपको देंगे वो सारा कुछ जितना भी आपका है फॉर्मेशन से लेके सारा मैं बता रहा हूँ रीडिंग और कॉम्युनिकेशन ये सारी चीजों को मैं कैसे कराऊंगा सब बता रहा हूँ ये सारे पांचों पोर्शन को ध्यान में रखिए ग्रामर रिटेन और वो रीडिंग रीडिंग में आपका जितना भी नोवेल है लिटरेचर है वो सब कुछ बताया जाएगा

और कोई भी एग्जाम इसमें बचेगा नहीं पूरे तरीके से ये जो बैच मैं ऐसा दूंगा कि इसके बाद इसमें कोई चीज़ ना बचे और बाद में ये बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो की तरह बाद में देख सकते हैं ये जो कहीं प्रोफेशनल्स हैं कहीं काम कर रहे हैं उनके लिए भी है कि वो अपने ऑगमेंट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग अपना इंग्लिश लैंग्वेज ऑन कॉम्प्रिहशन से के बारे में देखिए ये जो बैच का स्टार्टिंग टाइम है वो फर्स्ट मार्च 2022 से है और दो घंटे का क्लास रोज होगा मंडे टू फ्राइडे 8 पी एम टू टेन पी किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि वो कहीं वर्किंग है कहीं भी है तो आठ से दस रहेगा तो सारे लोग पढ़ पाएंगे तो अगर मैं लाइफ में 8 टू 10 पीएम एम रहूंगा तो फिर आपसे मैं कब इंटरेक्ट करूंगा तो आपसे मैं 7 टू 8 करूंगा या 6 टू 7 करूंगा 8 के पहले मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा यानी कि जो बच्चे कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वो बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे यूट्यूब पे मैं रोज़ क्लास जैसे दे रहा हूँ उसी उत्साह के साथ देता रहूँगा ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो है लाइव क्लास इसका कुछ फीचर्स हैं कि इसमें पी ग्रामर वोकेबुलरी राइटिंग ये तीनों का रोज़ मिलेगा चूँकि जो मैं पढ़ाऊँगा उसका प्रैक्टिस भी कराऊँगा एक्सरसाइज के लिए दूसरा है पी मिलेगा जो ग्रामर मैं पढ़ाऊँगा उसका थ्योरी मिलेगा हर एक चैप्टर पर इसके बिना क्लास आगे नहीं बढ़ेगी तीसरा है हंड्रेड मार्क्स का टेस्ट होगा अलग अलग टेस्ट मतलब अलग अलग एग्जाम के हिसाब से जैसे कोई सी का है या कोई सी का है तो उसके हिसाब से अलग अलग टेस्ट है और उसका डिस्कशन के साथ हम हर सैटरडे करेंगे दो साल की वैलिडिटी है ऑनलाइन लाइव टू वे कम्युनिकेशन है यानी आप मुझसे बात भी करेंगे क्लास के दौरान ऐप पे देखिए दोस्तों ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं ये बेसिक टॉपिक जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव डिटरमिनर्स ये सारे डिटेल्स में बताए जाएंगे मॉडल्स मूड मॉडिफायर फाइनाइट नॉन फाइनाइट कंडीशनर्स प्रीपोजिशन कंजंक्शन एडवर्ब क्वेश्चन टैग आर्टिकल्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज फंक्शन के हिसाब से उसके हिसाब से वॉइस नारेशन इसके अलावा बहुत सारे जो चीज़ें जो दी जाएगी वो यहाँ पे चीजें जुड़ती जाएगी क्योंकि क्लास मेरा जो होगा वो इनोवेटिव क्लास है तो नई नई चीज़ें वहाँ पे हम डालते रहेंगे वो में शुरुआत हम करेंगे रूट वर्ड से फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से करेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इसको हम इसमें जितने भी तरह के कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं सबको सब डिवाइड करके फ्रेजल वर्ब्स करेंगे यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज वन वर्ड फिगर ऑफ स्पीच लॉ फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं बहुत ही अलग इनोवेटिव तरीके से बताऊँगा ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं लॉ रिलेटेड वर्ड्स हैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड वर्ड्स हैं लैंग्वेज रिलेटेड वर्ड्स बुक एंड लिटरेचर इन्वायरमेंट स्टाइल स्पीच फिलासफीज Related words, study the related words, synonyms, antonyms, and group terms, and many more. iske alawa retain English jo topics है, usme Hindi to English translation batayenge pure parts of speech ka passage based on answer writing, यानी UPSC में तो या CAPF में जो आता है कि answer लिखना होता है passage का वो paragraph writing, report writing, letter हर तरह का formal, informal. जितने तरह के एप्लीकेशन है सब इसमें आ जाएंगे ऐसे ऐसे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एसे क्या बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उनके लिए प्रेसिस काउंटर आर्ग्यूमेंट सी पी में आता है और रीडिंग पोर्सन में न्यूज पेपर हेडलाइंस एडिटोरियल्स बिजनेस न्यूज गेम एंड स्पोर्ट्स न्यूज पैसेज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड टेंसेज दोनों तरीके का क्लोज टेस्ट नोवल रीडिंग और लिटरेचर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि हम समझ सकें कि अंग्रेजी लोग इंटरनेशनल राइटर्स या इंडिया के बहुत सारे राइटर्स हैं अंग्रेजी के तो मुल्क राजा आनंद हैं या फिर बहुत सारे इंग्लिश के जो हैं अरविंद अडिगा हैं तो वो कैसे लिखते हैं क्या उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं सारा कुछ बताएंगे देखिए कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो है लाइव क्लास इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है और बैच स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट मार्च को अभी पच्चीस तारीख तक इसमें फिफ्टी परसेंट ऑफ है अभी जो बच्चे एडमिशन लेंगे फिफ्टी परसेंट अभी कम लग रहा है पच्चीस तारीख के बाद फुल जो पेमेंट है उतना ही लगेगा और जो बच्चे पहले से इनरोल्ड हैं यानी कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोज देख रहे हैं क्लास वाले रिकॉर्डेड वीडियो तो उनको लाइव में बहुत कम फी देना होगा और जो बच्चे इनरोल्ड होंगे लाइव क्लास में वो रिकॉर्डेड वीडियो जो है क्लास वाला उनको फ्री मिलेगा ये भी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है खास करके आई एल्स टॉफेल इन सारे बच्चों के लिए सन्टेंस फ्रेमिंग कैसे करें ईडियम्स को यूज करके हर तरह के ईडियम्स बहुत कमाल का चीज़ होगा सेंटेंस फ्रेमिंग यूजिंग फ्रेजल वर्ड सेंटेंस फ्रेमिंग यूजिंग सिनोनिम्स सन्टेंस फ्रेमिंग यूजिंग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स और फिर इसी तरह से प्रिपोर्शनल फ्रेज को यूज करना है एक्स्टेम्पोर स्पीच कैसे तैयार करते हैं बिना सोचे कैसे हम कम समय में बिना तैयारी के कैसे बोल सकते हैं ये सारी चीज़ों को मैं कराऊंगा बुक्स इसमें इंक्लूड नहीं है बुक्स आपको अलग से लेना पड़ता है इस कोर्स में बुक्स नहीं है बुक्स अलग से लेना होगा बाकी जो रिकॉर्डेड क्लास है क्लास रिकॉर्डेड देखना है वो तो आपका चल ही रहा है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसी तरीके से अब हम लोग अपने क्लास की ओर अग्रसर हो रहे हैं देखिए दोस्तों क्लेप्ट सेंटेंस एक एडजेक्टिव है वर्ड जो क्लेप्ट है ये हमारा एडजेक्टिव है और एक बार तो क्लेप्ट सेंटेंस जो है दोस्तों ये हमारा एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस कोई भी है उसको दो हिस्सों में बांटना है कॉम्प्लेक्स बनाना है जो आपको पहले से पता है हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीज सीख रहे हैं कि उसके किसी एक पार्ट पे हमको इंफेसिस देना हो उसके लिए क्लेप्ड सेंटेंस है तो उद्देश्य को बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना है आपको दूसरी बात है सेंटेंस जो होता है इसमें एक सिंपल सेंटेंस उसको दो पार्ट में हमें करना है और उसके किसी एक हिस्से पे एम्फेसिस डालना होता है ये हमने पहले देखा है एक बार मैं बता रहा हूं क्लेप्स सेंटेंस एक कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है कन्वर्सेशन के दौरान हम किसी भी वर्ड के उतार-चढ़ाव करके मतलब जोर देके कहीं हल्का आ, स्ट्रेस डाल के हम अपनी बातों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन कन्वर्सेशन के दौरान ऐसा करते हैं लेकिन रिटेन इंग्लिश में हमारे पास कुछ टूल्स होना चाहिए जिससे हम इसको अच्छे से एम्फसाइज़ कर सकें तो उसके लिए हमारा क्लिप्ड सेंटेंस है ये टाइप्स आपको पता ही हैं जिसमें हमने आईटी के बारे में ये वाला देखा था डब्ल्यूएच के बारे में देखा था इसका रिवर्स नहीं किया था हमने सिर्फ इम्फेसाइज करने के लिए इसको यूज होता है इम्फेसाइज करने के लिए आपने पढ़ा था ना फुल इन्वर्सन सेमी इनवर्सन उसी तरीके से सामान्यतः तो पर मुख्य रूप से जो भर्ब आता है जैसे डब्ल्यू एच या सीडो जो क्लेप्ट होते हैं उसमें नीड वॉन्ट लाइक डिसलाइक इन्हीं का प्रयोग हम करते रहे हैं अभी तक इन्फेंशियल सेंटेंस के बारे में आज मैं बता दूं कि इन्फ्एंस का मतलब क्या होता है इन्फ्एंस का मतलब होता है निष्कर्ष तो इसमें एक सिंपल सेंटेंस है कि कोई आदमी कह रहा है कि तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो कोई भी आपका व्यवहार देख के उसने ये बात को अजमसन किया है अनुमान लगाया है निष्कर्ष पे पहुंचा है तो इन्फ्रेंस में जो भी उसने निकाला है उस इन्फ्रेंस को आपको निगेट करके और आपको क्लैरिफिकेशन देना होता है यानी कि उस सिंपल स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना होता है जिसमें पहला जो होता है जिसमें जो निष्कर्ष निकला है वो गलत है और उस गलत निष्कर्ष को आपको काटना है और दूसरी तरफ क्लैरिफिकेशन वाले जो कॉज रियल कॉज है उसको आपको रखना होता है जो मैं स्ट्रक्चर के साथ आपको बताता हूँ इन्फ्रेंसियल so, में यही होता है देखिए इसको समझिए इन्फ्रेंसियल को इस वाक्य में पहला क्लाउज को निगेट करना है निगेटिव में बनाना है और दूसरे वाक्य में उस गलत निष्कर्ष जो सामने वाला व्यक्ति ने लगाया है या गलत अनुमान लगाया है उसको क्लैरिफिकेशन करना है स्पष्टीकरण करना है इसमें जो स्ट्रक्चर आपका बनता है इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको बनाना है इसमें पहला जो क्लाउज दो क्लाउज होता है तो इसमें पहला जो है जो इन्फ्रेंस निकला है जो इन्फ्लेंस किसी ने आपके बारे में गलत अनुमान लगाया है उसको पहले निगेट करना है इट इज नॉट दैट एक दो दैट क्लाउज बनता है consecutive, uh, consecutive, uh, तरीके से और दूसरा जो क्लाउज बनेगा वो भी इट इज दैट से होगा लेकिन यहां पे जो कॉज या रीजन होगा वो रियल बात यहां पे बताना है और यहाँ पे जो अनुमान लगाया गया गलत उसको काटना है तो ये स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करेंगे समझ में आ जाएगा देखिए जैसे पहला सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दिया है ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता बात यह है कि मेरे पास समय नहीं है जैसे कोई ये स्टेटमेंट दिया यू डू नॉट वॉन्ट टू टीच मी यू डू नॉट वॉन्ट टू टीच मी ये इन्फ्रेंस है ये अजम्पसन है किसी ने हमारे कोई भी वजह से उसने एक एजम्पन बनाया है कि आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते लेकिन वो एजम्पसन जो लगाया है जो इन्फ्रेंस लगाया है वो गलत लगाया है मैं पढ़ाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है सही बात ये है पढ़ाना चाहता हूं लेकिन कुछ मजबूरी है समय नहीं है बहुत सारी चीज़ों में मैं ऑक्युपाइड हूं इसलिए ना मैं नहीं पढ़ा सकता तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो गलत एजम्पन है तो इसको हमें दो हिस्सों में बांटना है तो पहला है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता यानी जो आपने इन्फ्रेंस लगाया है वो गलत है तो पहला जो इन्फ्रेंस लगाया है उसको हमें गलत करना है तो हमने पढ़ा कि इट से बनाना है तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट तो so, पहला जो बनेगा वो इस तरह से आपको यहां रखना है इट्स नॉट दैट ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता ये बात समझ गए कौमा दीजिए यू डोंट वॉन्ट टू टीच मी इसी का हमने लिखा है इट्स नॉट दैट ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता तो एक क्लाउस दैट क्लाउज दो बनेगा यहाँ पे एक हमने ये जो इन्फ्रेंस निकाला था अपने कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता उसको मैंने मना किया नॉट लगा के इट्स नॉट दैट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता इट्स दैट अब यहाँ पे रियल जो काउज है उसको लिखेंगे इट्स दैट अब रियल कारण क्या है मेरे पास टाइम नहीं है आई हैव नो टाइम ये रियल रीजन हो गया तो ये जो हो गया हमारा रियल रीजन हो गया और ये जो था हमारा इन्फुरंस हमारे बारे में जो लोग लगाए थे उसको मैंने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं है सही बात ये है कि मेरे पास समय ही नहीं है तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट था इसको दो हिस्सों में बांटा क्लेफ्ट किया और इन्फुरेंस को मैंने निगेट किया और सही रीजन को मैंने दिया तो इस तरीके से हमें बनाना है तो मैं कुछ सेंटेंस में आपके सामने रख रहा हूं जिसको आपको बनाना है इसी पैटर्न पे पहला निगेट करना है नॉट लगा के मना करना है और इट इज दैट से शुरू करके वैलिड रीजन जो मेन रीजन है क्लैरिफिकेशन आपको सेकेंड क्लाउज में रखना है, है? चलिए अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब आपका टाइम स्टार्ट होता है ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों से डरता हूँ सच तो यह है कि मैं उन लोगों की इज्जत करता हूं मतलब कोई ये कह रहा है कि तुम डरते हो तुम उन उन लोगों से डरते हो ये इन्फुरेंस है लोगों का कि तुम में डर है उन लोगों के प्रति इसलिए उनसे तुम कुछ बोल नहीं पाते कुछ जवाब नहीं दे पाते हो लेकिन रीजन ये नहीं है तो मैं ये कहूँगा पहले इन्फ्रेंस को मैं निगेट करूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डरता हूं सही बात यह है कि मैं उनकी इज्जत करता हूं इसलिए भी मैं ज्यादा कुछ उनसे नहीं बोलता बदतमीजी नहीं करता आंसर बैक नहीं करता तो मैंने पूरा सेंटेंस ही लिखा है जो आपका इन्फ्रेंसियल क्लेफ्ट सेंटेंस के ऊपर है तो इसको आपको उसी तरह से बनाना है दो दैट क्लाउज लगा के इट इज नॉट दैट से और वो सेंटेंस जब हम पूरा कर लें इन्फेंस वाला तो फिर रियल रीजन के लिए इट इज दैट से शुरू करना है चलिए दोस्तों एक बार शुरू करिए सभी लोग प्रीतम सिंह जी तेजस्वनी जी बल्लू जी आलोक आर्या जी पंकज चंद जी मंटू यादव जी अमित बोस जी कमलेश यादव जी सभी को गुड इवनिंग नमस्कार और क्लास के बाद आप लोग टाइम बताइएगा कि दो मार्च से जो हम लोगों का टाइम यहाँ रहेगा वो किस समय बढ़िया है हमारे लिए सिक्स टू सेवन या सेवन टू एट किया जाए वो टाइम पे हम लोग कंटिन्यू अपना काम करते रहेंगे बहुत बढ़िया अच्छा से बनाइए और पहले से जो ज्ञान है उसको भूलिएगा नहीं सेंटेंस बनाने में कुछ गलती मत करिएगा बहुत सुंदर बनाइए ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों से डरता हूँ सच तो यह है कि मैं उन लोगों की इज्जत करता हूं अब ये बनाना है दोस्तों बनाइए पहला जो जवाब आया है इट्स नॉट दैट आई एम एफ्रीड ऑफ देम इट्स दैट आई रिस्पेक्ट देम है? इट्स नॉट दैट आई फियर देम इट्स दैट आई रिस्पेक्ट देम इियर फ्रॉम देम अनिल कुमार जी यहाँ फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है वैसे फियर जो है नाउन है भर्व के रूप में यूज नहीं करेंगे तेजस्वनी जी इट्स नॉट दैट आई एफरेड और एफरेड हमारा एड्जेक्टिव है तो भर्व आपने छोड़ दिया है सर और एफरेड के साथ सही प्रीपोजिशन लगाना है तेजस्वनी जी अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है तो नई चीज हम सीख रहे हैं और पुरानी चीजों को भी थोड़ा तर उजा करते रहिए इट्स नॉट दैट आई डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दोज इट्स दैट आई रिस्पेक्ट देम इट्स नॉट दैट ब्रजेश कुमार जी ऑफ के बाद दोज ना लगा के देम का प्रयोग करिए इट्स नॉट दैट आई फियर ऑफ फियर देम महावीर प्रसाद साहिल जी इट्स नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ देम इट्स दैट आई रिस्पेक्ट देम बहुत सुंदर साहिल बहुत बढ़िया बनाए हैं महावीर प्रसाद जी ब्रजेश जी आप कहा से इट्स नॉट दैट आई डोंट डेयर इट्स डेयर का मतलब साहस करना होता है बहुत बढ़िया कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बनाया है देखिए ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों से डरता हूँ यानी कुछ लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि मैं डरपोक हूँ मैं डरता हूँ लेकिन मैं इस बात को काट रहा हूं इट इज नॉट दैट ये लिखना है पहले इट इज नॉट दैट ये तो आपको लिखना ही लिखना है पहले निगेटिव ही लिखना है इट्स नॉट दैट और एफरेड हमारा एडजेक्टिव है तो भर लिखने लिखना पड़ेगा ना और एफरेड के साथ अवियर के साथ ऑफ लगता है प्रीपोजिशन तो ये भी ध्यान रखेंगे इट्स नॉट दैट आई एम एफ्रीड ऑफ देम और, और प्रीपोजिशन है इसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा इट्स नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ देम इट इज दैट अब यहाँ से सही कारण को यहाँ पे रखना है स्पष्टीकरण देना है इट्स दैट आई रिस्पेक्ट देम आई रिगार्ड देम ऐसे लिखना है सही है? तो ये हो गया हमारा ये इंफ्लुंस था जिसको मैंने मना किया रिफ्यूट किया खंडन किया और ये सही बात जो है यहाँ पे बताया क्लैरिफिकेशन यहाँ हुआ तो बच्चे लगभग सारे सही बनाए हैं बस ये है कि थोड़ा सा कुछ अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलती कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे बहुत बढ़िया चलिए अगला है ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ क्रूर हूं जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बहुत क्रूर हैं अपने बच्चों के साथ सिंपल सेंटेंस है लोगों का मानना है कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ही जास्ती करता हूँ बहुत ही क्रूर हूँ क्रूअल हूँ तो मैं इस बात को मना कर रहा हूँ इन्फ्रेंस जो आपने लिखा लगाया है मेरे लिए जो अनुमान आपने लगाया है इन्फ्रेंस रोज हम डे टू डे लाइफ में करते हैं इन्फ्रेंस क्या होता है जैसे अगर आपको आठ बजे कहीं ट्रेन पकड़ना है और यहाँ से जहाँ से आप निकल रहे हैं वहाँ से उस जगह की दूरी जो है कम से कम एक घंटा में तय होगा आठ बजे ट्रेन पकड़ना है एक घंटा का दूरी है तो आपको सात बजे के पहले निकलना होगा और आप निकल रहे हैं सवा सात में तो इन्फ्रेंस यही निकल रहा है ना कि ट्रेन छूट जाएगी तो बहुत सारी चीजें बोलना नहीं है खुद ब खुद आपको इन्फ्रेंस लगाना है जैसे आप मेरे क्लास को कर रहे हैं रेगुलर वे में तो जो भी घर वाले हैं इतना इन्फ्रेंस जरूर लगा रहे होंगे अगर मुझे जानते होंगे तो कि हाँ इनका रिटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा आने वाले समय में या कुछ नॉलेज तो मिलेगा ही ये इन्फुरेंस है तो इन्फ्लुएंस करना मतलब अनुमान लगा लेना अपने विवेक के आधार पे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे जो एजम्पन किया गया है इन्फ्लुएंस किया गया है उसको हमें काटना है और वैलिड रीजन देना है ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ क्रूर हूँ सच तो यह है कि मैं उन लोगों को अनुशासित रखना चाहता हूँ तो वाक्य को बहुत ही पेशेंस के साथ बनाइए और पैशन के साथ बनाइए यू आर द स्टूडेंट्स विद पैशन तो आपको अच्छे से बनाना है बहुत ही सावधानी से इन चीजों को बनाइए बहुत सुंदर बताइए दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ क्रूर हूं सच तो यह है कि मैं उन लोगों को अनुशासित रखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा क्या बनाया है आप लोगों ने बताइए जस्वनी जी बताए हैं इट्स नॉट दैट आई एम क्रूअल विद माई चिल्ड्रेन इट्स दैट आई वॉन्ट टू मेंटेन अ डिसिप्लिन विद देम इन चीजों को और स्पष्ट करना है ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ क्रूर हूं तो हम इसको बनाएंगे इट इज नॉट दैट आई एम क्रूअल विद माई चिल्ड्रेन ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ क्रूर हूं इट इज दैट इट इज दैट आई वॉन्ट और लिखते रहिएगा जितना लिखेंगे उतना आप क्रीप कर पाएंगे इसको आई वॉन्ट टू कीप देम डिसिप्लिन सही है मैं उन लोगों को अनुशासित रखना चाहता हूं ये हमारा सही हो जाएगा चलिए अगला जरा वाक्य देखिए बताइए ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है सच तो यह है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूं बताइए ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है सच तो यह है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूं तो इसको इन्फ्लुएंस करके बनाइए क्या हो जाएगा बहुत सुंदर आप लोग बहुत बढ़िया फॉलो करते हैं जबरदस्त फॉलोइंग पावर है आप लोगों का बताइए अब यह जरूरी नहीं है कि मुंह लगना का हमें शाब्दिक मीनिंग पता हो अंग्रेजी लिखने में यही फॉलो किया जाता है वो है भाव कि क्या है जैसे कोई भी राइटर ने या कोई पोएट ने कोई भी चीज को लिखा है तो हमें उसके भाव को समझना चाहिए या जब हमें अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वही वर्ड की हमें जरूरत है किसी भी तरीके से उसका जो भाव आ रहा है ऐसा नहीं है तो यही कला जो आपको है यहाँ प्रदर्शित करना है ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है कोई कह रहा है कि अः तुम जब भी वो तुमसे कोई बात करता है तो तुम उससे बात क्यों नहीं करते क्या तुम्हें बात करना नहीं आता तो इस इन्फ्लुएंस जो है लोगों को लगता है कि आप पब्लिकली किसी को बोल नहीं सकते या आपको बोलना ही नहीं आता है तो आप इस बात को खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है सच ये है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा अपने हिसाब से कोई भी वर्ड यूज करिए और सही तरीके से बनाइए भाव बस स्पष्ट होना चाहिए Cruel to, गलत प्रीपोजिशन लगाए हैं अमिताभ प्रूवल विद करिए इट्स नॉट दैट आई एम क्रूअल विद माई चिल्ड्रेन इट्स दैट आई वॉन्ट मेंटेन डिसिप्लिन हो गया इट्स नॉट दैट आई एम क्रूअल विद चिल्ड्रेन माई चिल्ड्रेन इट्स दैट आई वॉन्ट टू डिसिप्लिन देम आई वॉन्ट टू कीप देम डिसिप्लिन रखना है प्रीतम सिंह इट्स नॉट दैट आई एम क्रूअल विद माई चिल्ड्रेन इट्स दैट आई वॉन्ट देम टू बी डिसिप्लिन बहुत बढ़िया सही बना रहे हैं साहिल राज इट्स नॉट दैट आई कैन कान टू स्पीक इट्स दैट आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक विद यू बहुत बढ़िया अनिल कुमार इट्स नॉट दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इट इज दैट आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू यू

मैं तुमसे दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहता मैं तुमसे घनिष्ठता नहीं बढ़ाना चाहता तुम्हारे साथ क्लोज नहीं आना चाहता भाव ये स्पष्ट हो रहा है तो यही करना है वर्ड टू वर्ड जो हम करते हैं वो ट्रांसलेशन हो जाता है और जब हम भाव स्पष्ट करने लगते हैं तो हमने अपना एक अलग एक स्टेज को अपने पोजिशन को प्राप्त किया है तो ऐसा नहीं है पहले तो इन्फ्रेंस को काटिए इट इज नॉट दैट आई डोंट नो और नो के बाद हाउ का प्रयोग करिए आई नो हाउ टू स्पीक ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना ही नहीं आता ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता बोलते हैं ना आई नो हाउ टू स्विम आई नो हाउ टू सिंग हाउ टू डांस आई नो इस तरह से आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है इट इज दैट स्मॉल लेटर में लिखेंगे इट इज दैट आई इंटीमेट मतलब, मतलब मैं तुम्हारे साथ घनिष्ठता नहीं मतलब नजदीकी नहीं बढ़ाना चाहता हम इसको कई तरह से आपने जो एक्सप्रेस किया है कि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू यू या आई आई वॉन्ट टू कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन इससे जरा अस्पष्टता ज्यादा हो गई कि ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता सही ये है कि मैं तुम्हारे साथ नज़दीकी बढ़ना नहीं चाहता मुँह ही नहीं लगना चाहता बातचीत होगा घनिष्ठता बढ़ेगा मैं चाहता ही नहीं कि ये हो तो ये भाव स्पष्ट कर दिया अभी जरूरी मुंह नहीं लगना का मीनिंग खोजते रहेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा तो अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पजल कर देगा लेकिन आपको जो वर्ड आपको आता है उसी के साथ ज्यादा सही तरीके से चीजों को स्पष्ट करिए भाव को स्पष्ट करिए लैंग्वेज में बस भाव जो सेंस है वो क्लियर होना चाहिए यही गोल्डन रूल है बहुत सुंदर चलिए एक और बनाइए इस पे ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता सच तो यह है कि तुम्हें इसका एहसास ही नहीं है मतलब कह रहा है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं प्यार तो करता हूँ ऐसा नहीं है आप जो कह रहे हैं वो गलत है सच बात यह है कि आपको एहसास है ही नहीं चीज़ों का बताइए बताइए दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता सच तो यह है कि तुम्हें इसका एहसास नहीं है बनाइए सब लोग बनाइए जितना उंगलियां चलाएंगे उतनी चीजें बेहतर होगी कोशिश करते रहिए जितना बोलेंगे जितना लिखेंगे उतना क्लैरिटी आएगा उतना आप में चमक आएगा ये ऐसी चीजें हैं कि ज्ञान आपके बदले में कोई और नहीं ले सकता है खुद को ही जगना पड़ेगा जगाना पड़ेगा और खुद को ही काम करने के लिए प्रेरित करना पड़े आ, करना पड़ेगा तभी होगा अनिल कुमार जी इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू इट्स दैट यू डोंट फील इट ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता बहुत बढ़िया सब लोग ट्राई करिए इट्स नॉट दैट पहले निगेट करने के लिए इसको लिखिए आई डोंट लव यू इट इज दैट यू डोंट हैव रियलाइजेशन रियलाइजेशन में कहीं जेड भी लिख देते हैं वो अमेरिकन वर्ड होता है रियलाइजेशन के साथ ऑफ लगाएंगे रियलाइजेशन ऑफ इट तो इस तरीके से इन्फ्रेंसियल के बारे में आपने अच्छे से समझ गया कि पहला जो स्टेटमेंट होता है इन्फ्रेंस उसको हमें निगेट करके और जो सही क्लेरिफिकेशन वाला जो सेंटेंस है उसको हमें सेकेंड क्लाउज में रखना है है आगे देखिए मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे ज्यादा पसंद है तो पहले मैं ना सिंपल सेंटेंस में बना रहा हूं क्योंकि क्लेफ्ट करने के लिए आपको दो क्लाउज में तोड़ना होगा और जितना ज्ञान आपके पास आप अभी तक लिया है उस सब को यूज करके इसको बनाना है आपको और कुछ नई चीजों को भी सीखेंगे मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे ज्यादा पसंद है आई लाइक योर स्माइल द मोस्ट आई लाइक योर स्माइल द मोस्ट इस वाक्य को ध्यान से देखिए इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है एक ही मेन वर्ब है ना तो एक ही मेन वर्ब है यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है अब हमें इसको क्लेफ्ट करना है यानी कि तोड़ना है है क्लेफ्ट मतलब स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है क्यों ताकि हम इम्फेसाइज दे सकें किसी एक पार्ट पे सबसे ज्यादा हमें पसंद है आपकी मुस्कुराहट अब इसको हम कैसे आ, क्लेफ्ट करेंगे कैसे इसको हम स्ट्रेस करेंगे तो आप बताइए वॉट से भी आपने पढ़ा है ऑल से भी पढ़ा है उसको रिवर्स करके भी बनाएंगे वॉट और ऑल से बनाएंगे तो सेकेंड वाले पे होता है इट से बनाएंगे तो फर्स्ट वाले पे होगा अब रिवर्स करके भी इसको बनाना सीखेंगे WH से आई लाइक योर स्माइल मोस्ट ये हमारा सिंपल हो गया अब क्लेफ्ट सेंटेंस बना रहे हैं नॉन क्लेफ्ट है क्लेफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वॉट आई लाइक मोस्ट एक ये पूरा क्लाउज हो गया वॉट आई लाइक मोस्ट क्या आपकी मुस्कुराहट तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा प्रेजेंट में है टिंगलर ही भर्व लगाना है ही लगाना इज योर स्माइल तो पे पे जो स्ट्रेस है है वो इस पार्ट पे है। तो हमने बताया था कि वॉट से शुरू हो या ऑल से शुरू हो तो दूसरे पार्ट पे होगा अगर हम वॉट से भी करें या ऑल से करें तो दूसरे पार्ट पे होगा जैसे ऑल से हम अगर बनाएं तो क्या हो जाएगा ऑल आई लाइक मोस्ट Is your smile. तो पे भी जो स्ट्रेस दिया जा रहा है फोकस है वो इस पे है और भर्व को हमें जरूर छोड़ना नहीं है बी भर्व को ऑल आई लाइक मोस्ट इज योर स्माइल एंड वट आई लाइक मोस्ट इज योर स्माइल अब इसी को अगर दोस्तों अगर मैं इट से बनाऊ तो यहाँ पे तो फोकस जो है स्ट्रेस है वो सेकेंड वाले क्लाउज में है इसको हम सीडो भी बोलते हैं क्योंकि ये बाद में फुल क्लाउज नहीं है ये ये आधा ही है नॉट रियल क्लाउज है तो यहां पे सेकेंड वाले में यहां पे हुआ यहां भी सेकेंड वाले क्लाउज में ही आपका फोकस हो रहा है लेकिन इट से बनाएंगे तो क्या हो जाता है पहले वाले में तो हमें पहले लिखना होगा इट इज योअर स्माइल इट इज योअर स्माइल दैट आई लाइक द मोस्ट सही है अब यहाँ पे देखिए यहां पे मैंने जगह इसलिए रखा है कि वॉट से जो हम बना रहे हैं डब्ल्यू एच से बना रहे हैं तो हमारा सेकेंड वाले क्लाउज में ये हो जाता है फोकस यानी सेकेंड पे हम इम्फेसिस डालना चाह रहे हैं तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करेंगे मतलब इसको हमें पहला लिखना पड़ेगा जिस पे हमारा फोकस जिस चीज पे रहा है डब्ल्यू एच क्लेफ्ट में उसको हम शुरू में रखेंगे इसको पहले रखेंगे और बी हेल्पिंग वर्क इसके बाद में और बाद वाले आगे जाके इस क्लाउज को रख देंगे तो बात वही हो जाएगा तो हम ऐसे कह देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेस करने के कई रास्ते हैं योर स्माइल इज वॉट आई लाइक मोस्ट योर स्माइल इज व्हाट आई लाइक मोस्ट तो यहां पे जिस चीज पे फोकस था उसको हमने पहले रखा फिर बी हेल्पिंग को और बाद में डब्ल्यू एच क्लाउज को जो का हुए रखा योर स्माइल इज वॉट आई लाइक मोस्ट तो ये वाला रिवर्स्ड हो गया डब्ल्यू एच Sentence. ये करके हम बना या उसको पहले रख के बना दिया तो ऐसे भी कर सकते हैं और इट से जो बनता है उसमें तो शुरुआत वाले पे ही स्ट्रेस रहता है ऑल और, और वर्ड से जब बनता है सेकेंड में लेकिन रिवर्स कर देंगे तो पहले में भी लागू इस पे स्ट्रेस बनाया जा सकता है तो कई तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं तो ये बार बार जो रिवीजन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप लिखते पढ़ते समय देखिए एक होता है नॉलेज रख लेना दूसरा है कि प्रैक्टिकली यूज में लाना तो ये चीज़ तब होगा जब हम ज्यादा प्रैक्टिकली पैसन के साथ इसको एसिमिलेट करते हैं अगला जरा वाक्य देखिए और हर तरह से बनाने की कोशिश करिए मुझे तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नापसंद है तो हमने बोला कि ज्यादातर जो डब्ल्यू एच वाला बनेगा वो लाइक डिसलाइक वॉन्ट लव इन्हीं सब से बनता है तो बनाइए मुझे तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नापसंद है बताइए दोस्तों मुझे तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नापसंद है अमिताभ लाइक like के बाद अबाउट क्यों लिखा लाइक like तो खुद वर्ब है तो उसके बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना तो अबाउट हटा दीजिए और डब्ल्यू एच का रिवर्स होता है ऑल का रिवर्स नहीं होता है तो ऑल जो लिखा है वो अपने मन से लगा दिया वो गलत है बहुत बढ़िया पंकज चंद जी आई डोंट लाइक योर हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई ये सिंपल सेंटेंस हो गया चलिए इसका भी एक जगह दे देते हैं जो आप जानते हैं आई डोंट लाइक गया दोस्तों तो इससे हमारा काम चल गया अब बताइए क्लेफ्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं इम्फेसिस डालना है तब ताकि वेराइटी जो है अपना दिखा सके अब यहां पे हम इसको बनाएंगे क्लेफ्ट में तो आप कैसे बनाएंगे आई डोंट लाइक योर हैबिट ऑफ टेलिंग अ अलाइ तो यहां पे वॉट से बना रहे हैं वॉट आई डोंट लाइक और यहां पे बी हेल्पिंग वर्ब डालना है सिंगलर में इज योर हैबिट कौन सा झूठ बोलने वाली लाई अब दूसरा में ना इसी को रिवर्स करिए तो रिवर्स करेंगे तो हमें क्या करना होगा जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये वाला जो क्लाउज है और उसके बाद में ये रखना होगा यानी कि जो हमारा जिसपे हमारा फोकस पॉइंट है उसको हम पहले रखेंगे फिर बी भर्व को रखेंगे और तीसरा में ये डब्ल्यू एच क्लाउज रहेगा रिवर्स मतलब बिल्कुल उल्टा कर देना है स्विच राउंड तो यहां पे हम रिवर्स कर रहे हैं इसको तो मीनिंग वही रहेगा यहां पे फोकस इस पे है अब इस फोकस को हम पहले ला रहे हैं योर हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई अब ये पूरा पार्ट को हमने पहले रख दिया अब भर्व हम रख रहे हैं यहां पे भर्व जो है इज वॉट आई डोंट लाइक ठीक है इसी को अगर ऑल से बनाए तो ऑल को रिवर्स नहीं कर सकते हमें इसको ऑल से अगर बनाते हैं तो हो जाएगा ऑल आई डोंट लाइक इज योर हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई इज योर हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई अब अगर इज से बनाएंगे तब कैसे बनेगा अगर मैं इसी को इज से बनाऊं तो कैसे बनेगा शुरू में रखना होगा फोकस वाले पॉइंट को इट इज योर हैबिट ऑफ टेलिंग अलाई दैट आई डोंट लाइक तो आप समझ रहे हैं इट से भी बना रहे हैं से भी बना रहे हैं, रिवर्स करके भी उसको बना रहे हैं ऑल से भी बना रहे हैं सारे से बना रहे हैं भाव स्पष्ट है तो आपके पास ना हैंड फ्री हो रहा है कि आप जैसे चाहे चीजों को एक्सप्रेस करेंगे लेकिन याद रहे तब जब हमें वेराइटी दिखाना है और स्ट्रेस डालना है किसी फोकस पॉइंट पे चलिए इसको जरा बनाइए तब तक मैं आपके एंसर को चेक करता हूं। पंकज जी, चंद जी का पहला है लेकिन वो सिंपल में बनाए हैं क्लेफ्ट नहीं किए हैं आई डोंट लाइक योर मैनर ऑफ टेलिंग अ लाई हैबिट के लिए मैनर का यूज ना करें स्पीकिंग लाई इज वॉट आई डोंट लाइक लेकिन किसका साहिल राजी? जी ये बोलना पड़ेगा ना आपका तो पोजिशन नहीं है उसमें आई डोंट लाइक योर मैनर ऑफ टेलिंग अलिंग लाइज व्हाट आई डिसक इज योअर हैबिट ऑफ टेलिंग अलाइ इस द्विवेदी जी से ही बना रहे हैं तान्या जी आई डिसलाइक योर हैबिट ऑफ टेलिंग अलाई ये सिंपल हो गया क्लेफ्ट करिए क्लेफ्ट मतलब तोड़ के इसको दो तो क्लाउज में तोड़िए व्हाट आई डोंट लाइक इज योअर हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई बहुत सुंदर पंकज जी योर टेलिंग अलाई इज वाट आई डोंट लाइक रिवर्स क्लेफ्ट बनाया है बहुत बढ़िया वट आई डोट लाइक या ऑल आई डोट लाइक इज योर है लाई हैबिट छोड़ दिया है अनिल जी योर मैनर ऑफ मैनर नहीं हैबिट लगाइए आदत के लिए मैनर्स लिख सकते हैं मैनर्स का मतलब आदत होता है मैनर नहीं व्हाट आई डिस इज योअर हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई टेलिंग अलाई लिखना है वंशिका जी वट आई डिस इज योर हैबिट ऑफ टेलिंग अलाई बहुत बढ़िया वॉट आई डोंबिट ऑफ टेलिंग फॉलो कर रहे हैं कमाल है योर हैबिट ऑफ टेलिंग लाइफ इज वॉट आई डोंट लाइक बहुत बढ़िया और समझ रहे ना कब बनाना है जब हमें लिखने में वेराइटीज होगा हमें जिस पार्ट पे क्लेफ्ट का यही मजा है देखिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे अभी बार बार सुनिएगा तो समझ में आएगा क्लेफ्ट सेंटेंस ऐसा है कि आप सेंटेंस के किसी भी वर्ड पे फोकस डाल सकते हैं एडजेक्टिव पे एडवर्ब पे verb पे प्रीपोजिशनल फ्रेज पे किसी पे भी बाकी चीजों में इतनी आजादी नहीं मिलेगी जितनी क्लेफ्ट में आपको मिलती है ये कमाल का ये टॉपिक है प्रीतम सिंह जी बहुत बढ़िया तानिया जी इट इज योर हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाइ दैट आई डोंट लाइक मैनर का मतलब मेथड होता है और मैनर्स का मतलब हैबिट हो जाता है चलिए अगला जरा वाक्य देखिए तुमने मेरे साथ काबिले माफी वाला काम किया इसको जरा बनाइए बना के दिखाइए तो। बनाइए डब्ल्यू एच से बनाइए डब्ल्यू एच क्लेप्ड सेंटेंस से बनाइए इट से बनाइए जैसे बनाना है बनाइए अब आप धीरे धीरे बहुत फ्री हो रहे हैं फ्रीडम आपको मिल रही है बहुत आराम से अपने चीजों को कह सकते हैं वैसे सिंपल में हम इसको अगर बनाए तो हो जाएगा यू हैव डन समथिंग अनफॉर्गिवेबल टू मी टू मतलब रिसिपियंट के लिए हमने लगाया है यू हैव डन something अनफॉर्गिबेबल टू मी To me. So मैं। चलिए वॉट से अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वॉट यू हैव डन मी इज अनफॉर्गिबेबल अनफॉर्गिवेबल ऑल यू हैव डन टू मी इज अनफॉर्गिबेबल इट इज अनफॉर्गीवेबल दैट यू हैव डन टू मी सही है अब इसको आप ना रिवर्स करिए रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको पहले रखना पड़ेगा ना और उसके बाद इसको रखना होगा और उसके बाद में इस पॉइंट को रखना होगा तो इसका क्या हो जाएगा अनफॉरगिवेबल इज वॉट यू हैव डन टू मी सही है अनफॉरगिवेबल What you have done to me? बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बना रहे हैं बहुत सुंदर जबरदस्त चलिए अगला वाक्य जरा देखिए और बनाइए मुझे मेरा गांव जाना पहले सिंपल में बनाइए फिर क्लिप्ट करिए मुझे मेरा गांव जाना सबसे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा पसंद है तो हम लिखेंगे आई एंजॉय गोइंग टू माई विलेज द मोस्ट देखिए आई एंजॉय गोइंग टू माय विलेज ये सिंपल है नॉन क्लेफ्ट द मोस्ट तो मैंने बोला कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कोई भी आप यूज कर सकते हैं क्लेफ्ट बनाने के लिए सिर्फ छोड़ के इसमें देखिए क्या लगाना चाहिए जाने की बात हो रही है तो वेन लगाएं कि वेयर लगाएं कि वाई लगाएं कि वॉट से बनाएं कौन सा बनाएं देखिए एक तो हम बना सकते हैं वॉट

टू द मोस्ट इज माई विले यानी कि याद रहे किसान कि जिसपे हमारा चाहिए तो जो भी एडवर्ब या प्रीपोजिशन जो दिया गया है तो हम हटा तो सकते नहीं तो जीव का त्य रखना है आई एंजॉय गोइंग टू माई विलेज द मोस्ट इसमें सब फोकस जो है ना फोकस वाला जो है वो हमारा माय विलेज है तो हमने सारे चीज को प्रीपोजिशन वगैरह कोई चीज को नहीं छोड़ा है व्हाट आई एंजॉय एंजॉय के बाद गोइंग है उसको रखा है एंजॉय गोइंग टू है उसको रखा है द मोस्ट को यहाँ कर दिया और फिर लिंकिंग वर्ब से इसको जोड़ा है व्हाट आई एंजॉय गोइंग टू द मोस्ट गोइंग टू द मोस्ट इज माय विलेज तो भाव यही है लेकिन ये इज के साथ आया तो इसको और बनाइए अगर हम कोई प्लेस वाला है तो वेयर से भी बना सकते हैं यहां पे देखिए डब्ल्यू एच में बहुत सारे वर्ड आपने लिखा था वेयर आई एंजॉय गोइंग टू द मोस्ट इज माय विलेज इज सही है तो कहीं जाने आने की बात हो रही है ना तो वहां पे डब्ल्यू से तो आप बना ही सकते हैं वेयर से भी बना सकते हैं हम इसको चाहें तो ऑल से भी बना सकते हैं ऑल आई एंजॉय गोइंग टू द मोस्ट इज माई विलेज तो हम वॉट के नीचे हम ऑल लिख रहे हैं जिससे भी बना सकते हैं अगर हम चाहें इट से बनाना तो इट से भी बना सकते हैं इट इज माई विलेज दैट आई इंजॉय गोइंग टू द मोस्ट इसमें कोई प्रिपोजिशन या एडिशनल वर्ड को छोड़ना नहीं है।, तो है इसको अगर हम रिवर्स करके अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा माई विलेज को पहले रखना होगा माई विलेज इज और बाद में इससे बना दीजिए माई विलेज इज वेयर आई एंजॉय गोइंग टू द मोस्ट इस तरह से हम बना सकते हैं सही तो है आ रही समझ में कुछ कुछ क्लैरिटी हो रही है बहुत सारे तरीका मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को लेने में लेकिन घबराना नहीं है धीरे 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 समझ में आ ही जाएगी वह प्रत्येक रविवार को अब यहां पे देखिए डब्ल्यू एच कौन सा यूज करेंगे समय की बात हो रही है तो कौन सा यूज करेंगे वेन से भी बना सकते हैं ना जैसे प्लेस वाले के लिए वेयर से बनाया है टाइम के लिए वेन से बनाइए तो वेन से बना के देखिए इसको पहले सिंपल ने बनाइए वह प्रत्येक रविवार को क्रिकेट खेलना पसंद करता है ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट ऑन ऑन Sundays. संडे Sundays का मतलब एवरी संडे हो गया तो ये सिंपल संटेंस है नॉन क्लेफ्ट है इसको क्लेफ्ट करना है दो हिस्सों में इसको तोड़ना पड़ेगा हमें सही है देखिए ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडेज अब मैं बता रहा था कि इंफेसिस किसी पे भी देना है अगर हम इट से ही अगर हमें इम्पेसिस देना है तो इस पे देना है तो इसको हम पहले रख सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज को क्रिकेट को देना है तो क्रिकेट को हम रखेंगे इट के साथ ही को रखना है तो ही को हम उसके साथ रखेंगे तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे मैं इट से अगर बनाना चाहूँ की संडेज ही होता है प्रत्येक संडे ही होता है जब मैं क्रिकेट पस, खेलना पसंद करता हूं तो हम इट से अगर बनाना चाहें संडेज के ऊपर तो ऐसे सेंटेंस में हम इट इज ऑन संडेज अगर लिखा हुआ है तो हमारा फोकस इस पे है इट इज ऑन संडेज दैट ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट तो यहां पे फोकस पॉइंट जो हो गया हमारा ये संडेज हो गया अब अगर हम यहाँ पे फोकस हमारा क्रिकेट पे हो तो हम क्रिकेट को हम पहले यहाँ पे रखेंगे यानी कि जिस पे हमें इम्फेस डालना है उसको हम रखेंगे जैसे क्रिकेट पे है कि ये क्रिकेट ही तो है जो मैं हर संडे को खेलना खिल, पसंद करता हूँ इट इज क्रिकेट जिसको फोकस में रखना है उसको हम इट के साथ रख लेंगे इट इज क्रिकेट दैट ही है ना दैट ही लाइक्स प्लेइंग ऑन सनडे अब अगर ही पे फोकस करना है तो ही पे अगर फोकस करना है तो हम इसको पहले रख लेंगे जैसे अगर हम कहें इट इज ही और ही के अनुसार हु लगा सकते हैं हु लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट ऑन सनडेज तो ऐसा नहीं है इसमें यही खूबसूरती है कि जिस पे भी आप लिखना चाहें मतलब जिस पे फोकस डालना चाहें उसको रखेंगे यहाँ पे हम ही पे फोकस दे रहे हैं यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज पे दे रहे हैं और यहाँ पे क्रिकेट पे दे रहे हैं तो जिसके ऊपर देना चाहेंगे दे सकते हैं अब मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा था कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडेज कब पसंद करता है ऑन संडेज तो यहाँ पे वॉट से तो हम बनाते ही हैं ऑल से तो बनाते ही हैं क्या हम इसको यहाँ वेन से बना सकते हैं जब बात टाइम की हो रही है तो बिल्कुल बना सकते हैं तो अगर हम यहाँ पे चाहें तो बना सकते हैं वेन ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडेज अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा बताइए यहाँ संडेज लिखा हुआ है इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे अच्छा यहाँ वेन से बनाया है डब्ल्यू से तो हमने बनाया ही वेयर से भी बनाया जब प्लेस का है तो वेयर से ही बना सकते हैं टाइम है तो वेन से ही बना सकते हैं कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड से आप इम्फेसिस डाल सकते हैं समय की बात हो रही है प्लेस की बात हो रही है नॉर्मल कोई नाउन की बात हो रही है हम इम्फेसिस किसी भी सेंटेंस के पार्ट पे दे सकते हैं ऐसा नहीं कि पहला क्लाउज पे देना है दूसरा क्लाउज पे देना है इसके अलावा भी हम कहीं पे भी अगर हम फोकस करना चाहें तो कर सकते हैं बताइए क्या हो जाएगा वेन ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट इज ऑन संडेज या आर ऑन संडेज बिल्कुल इट इज ऑन संडेज तो ऑन संडेज पे फोकस हो गया इट इज ऑन संडेज संडेज पे इट इज ऑन संडे दैट ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट एवरी संडे इज एवरी संडे इज और यहाँ पे आपने कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना था अनिल कुमार जी वो छोड़ दिया लगाइए। इट इज ही लिखिए अनिल कुमार जी सही करिए इट इज ऑन संडेज लिखना है ऑन संडे भी गलत है प्रीतम सिंह जी बिल्कुल सही है सब ने सही लगाया है यहाँ पे इज का प्रयोग करिए बिल्कुल सही है चलिए मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता था इसको बनाइए तो सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता था तो हो जाएगा सिंपल में मैं बना देता हूं क्लेफ्ट आप करिए आई वॉन्टेड टू बाई अ लार्ज हाउस सिंपल सेंटेंस है एक ही मेन वर्ब है इसको क्लेफ्ट करिए मतलब तोड़िए और इम्फेसिस डालिए इम्फेसिस क्या है मैं चाहता था एक बड़ा घर खरीदना इसमें इम्फेसिस है तो कैसे बनाएंगे इसको बनाइए क्लेफ्ट करिए डब्लू एच से एक बनाइए डब्ल्यू एच क्लेफ्ट और उसको फिर रिवर्स करके बनाइए दो तो सेंटेंस बनाइए दो आई वॉन्टेड टू बाई हाउस और टेंस का ध्यान रखिए पास्ट में है पास्ट में है तो उसका ध्यान आपको रखना है मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता था बनाइए क्लिफ्ट करना है इसको दोस्तों क्लिफ्ट करिए क्या क्या अभी तक सीखा है ऑल से बनाइए वॉट से बनाइए इट से बनाइए देयर से भी इसको बना सकते हैं देयर से भी बनाइए जैसे देयर क्लेफ्ट जो होता है तो अगर कोई नाउन है या नाउन फ्रेज है तो हम देयर से भी बना सकते हैं कैसे बनाएंगे इस पे फोकस है लार्ज हाउस देयर इज अ लार्ज हाउस ठीक है इस पे हमारा फोकस है जैसे हम ऑल से शुरू करते, है करते हैं ना ऑल से शुरू करते हैं वॉट से शुरू करते हैं इट से शुरू करते हैं उसी तरह से देयर से भी बना सकते हैं देयर इज अ लार्ज हाउस और फिर दो क्लाउज में तोड़ना है फिर दैट लगा दीजिए और फिर ये पूरा वाला हिस्सा को ज्यों कहते हो रख दीजिए देयर इज अ लार्ज हाउस दैट आई वॉन्टेड टू सॉरी यहाँ पे पास्ट में चीजें चल रही है तो यहां पे क्या होना चाहिए था वॉस there was अ लार्ज हाउस दैट आई wanted टू buy ठीक तो देर से भी आपने सीखा अब इसी को अगर हम इट से बनाना चाहें तो कैसे होगा और ये सब हम बना रहे हैं लेफ्ट कर रहे हैं इम्फेसिस डालने के लिए इट वॉज पास्ट में है इट वॉज पास्ट में है तो इसलिए वॉज लगा इट वॉज अ लार्ज हाउस दैट आई वॉन्टेड टू बाई ट आई वॉन्टेड टू बाई सही है तो देर से भी बना रहे हैं इट से भी बना रहे हैं ऑल से बनाइए ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लार्ज हाउस ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लार्ज हाउस वॉट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वॉट आई वॉन्टेड लिंकिंग इसको रिवर्स करिए रिवर्स करके बनाइएगा तो इसको पहले रखिएगा ये सेकेंड में और ये थर्ड में पूरा हो जाएगा स्विच देम राउंड लार्ज हाउस वॉज वॉट आई वॉन्टेड तो इसको अगर हम बनाएंगे तो हो जाएगा लार्ज हाउस वॉज वॉट आई वॉन्टेड तो एक ही तरह को एक ही सिंपल सेंटेंस को हमने देयर से भी बनाया ऑल से भी बनाया वर्ड से भी बनाया नॉर्मल ऑर्डर में रिवर्स करके भी बनाया इट से भी बनाया और इट आपको ये भी बता रहा है कि जहां पर हम फोकस डालना चाह रहे हैं जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच पे हम इट के बाद लिंकिंग वर्ग के बाद उसको रख के बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो धीरे धीरे क्लैरिटी आ रहा होगा कि हम क्लेफ्ट कर रहे हैं मतलब सिंपल सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं इसलिए कि हम उस सेंटेंस के किसी भी एक हिस्से पे जिस पे हमारा मन है इम्फेसिस डालने का उस पे हम डाल सकते हैं इट से डब्ल्यू एच में कोई भी वर्ड होगा वेन होगा वेयर होगा वाई होगा हाउ होगा या फिर आप इट से शुरू करिए डब्ल्यू एच से शुरू करिए ऑल से शुरू करिए सबसे हम बना सकते हैं अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रहा होगा कि क्यों हम पढ़ रहे हैं और इसको दस बार देखिएगा क्योंकि मैं तो एक टीचर हूं तो मुझे तो बार बार पढ़ाने का मौका मिलेगा आपको ना बार बार रिवीजन करना चाहिए इसको देखिए मेरे दोस्तों वह अपना पुराना मकान बेचना चाहता है इसको बनाइए तो चार पांच तरीके से पहले बनाइए आप इसको वह अपने मकान को बेचना चाहता है इसको बनाइए पहले ईट से अगर हम इस पर फोकस करेंगे वो भी लिख सकते हैं पुराना मकान में फोकस करेंगे वो भी लिख सकते हैं तो हमें इसी पे फोकस करना है मकान को अपना पुराना मकान इसपे फोकस करके ईट से बनाइए बनाइए दोस्तों थैंक यू वेरी मच सर बहुत बढ़िया हालांकि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे होंगे डर रहे होंगे कि ये कहाँ से यहाँ तक पहुंच गए लेकिन सर मैं जो टॉपिक बताऊंगा मैं इसी तरह का बताऊंगा यहाँ पे नई नई चीजों को जानकारी दूंगा बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ रहे पढ़ ही रहे हैं लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आप जाने कि हाँ इसके बाहर भी एक दुनिया है जहा पे भी हमें जाना है हमें कुआं तक ही सीमित नहीं रहना है हमें समुन्द्र में सागर में भी उतरना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर चीजों की जानकारी दें और अगर हम जैसे लोग यहाँ पे मेहनत करके आपको नहीं रास्ता दिखाएंगे तो फिर यही हो जाएगा कि एक ही वर्ल्ड वर्ल्डपुल की तरह एक ही चीज़ों के चारों तरफ हम लोग सिमट के रह जाएंगे तो हमें थोड़ा विस्तार देना है अपने सोच को और एक डेडिकेशन के साथ काम करना है लर्निंग इज अ बीटर रूट बट इट बियर्स अ वेरी स्वीट फ्रूट सीखना मुश्किल जरूर है लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है और सीखने में बहुत कष्ट होता है पेन होता है लेकिन फिर गेन भी होता है इसी से वह अपना पूरा मकान बेचना चाहता था कैसे बनाएंगे वह अपना पूरा मकान बेचना चाहता था तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में पहले बनाए बेचना चाहता है तो सिंपल सेंटेंस है ये आपको सबको पता है ही वॉन्ट्स टू सेल हाउस टू सेल his ओल्ड हाउस ठीक है ना तो जो चीज आप जानते हैं उन्हीं चीजों का मैं विस्तार दे रहा हूं ओल्ड हाउस सही है वह अपने पुराना मकान को बेचना चाहता है ये सबको पता है अब हम सीख रहे हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्लेफ्ट यानी कि क्लेफ्ट मतलब डिवाइड करना तो इसको कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करना है तो हम यहां पे अगर वॉट से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा इसी वाक्य को दो हिस्सों में तोड़ना होगा वॉट ही वॉन्ट्स और यह पे हमें सिंगलर भर देना है लिंकिंग इज सॉरी हमें फोकस इस पे करना था ना तो पूरा हिस्सा को इसमें लिखना है वॉट ही वॉन्ट्स टू सेल इज हिज ओल्ड हाउस वॉट ही वॉन्ट्स टू सेल इज इज ओल्ड हाउस देख रहे हैं तीन हिस्सों में हम तोड़ के बना रहे हैं अब इसी को रिवर्स करना है तो रिवर्स करेंगे तो कैसे होगा जैसे यहाँ पे वन था दूसरा हिस्सा लिंकिंग वर्ग था तीसरा हिस्सा हमारा नाउन फ्रिज हो गया अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको पहले रखना है फर्स्ट में इसको रखना है सेकेंड में और इसको रखना है थर्ड में तो इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बनाएंगे हिज हो ओल्ड हाउस इज वॉट ही टू सेल वॉट ही वॉन्ट्स टू सेल अब इसी को अगर मुझे इट से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे अगर इसी को मुझे इट से बनाना होगा तो बनाइए इट से तो मतलब जब बनाते हैं तो इट से शुरू होने वाले क्लाउज में ही उस वर्ड या फ्रेज को रखना पड़ेगा जिसको हमें इंफेसाइज करना है तो इट इज हिज ओल्ड हाउस आगे क्लाउज बनाना है दैट से या जो भी हमें जरूरत हो या हम विच भी लगा सकते थे क्योंकि ये नॉन लिविंग है दैट ही वॉन्ट्स टू सेल अब हम यहां पे चाहें जो वॉट से बनाया है तो ऑल से अगर बनाना चाहें तो वॉट की जगह खाली ऑल लिखना है और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी ऑल ही वॉन्ट्स टू सेल इज हिज ओल्ड हाउस सही है क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों चलिए अगला जरा वाक्य देखिए मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं इसी को बनाइए दो तीन तरीके से मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं क्या होना चाहिए मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं तो एक सिंपल सेंटेंस तो सबको पता है वो मैं आपको नहीं कहूंगा कि बनाइए आप क्लेफ्ट करना सीख रहे हैं मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं आई वॉन्ट टू बाई अ बाइसिकल आई वॉन्ट टू बाई अ बाइसिकल अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या एक साइकिल खरीदना और इस पर हमें फोकस करने का मन है अगर मन है तभी हम करेंगे वरना नहीं करेंगे भाव तो स्पष्ट है ही हमें करना है साइकिल ही तो खरीदना है मुझे तो कैसे बनाएंगे इट से बनाइए तो पहले हमें उसको रखना होगा इसके बाद लिंकिंग वर्ब इट इज अ साइकिल अगर वांटेड होता तो क्या होता वॉच इट इज अ साइकिल इट इज अ बाइसिकल That, या which भी लगा सकते हैं नॉन लिविंग थिंग विच आई वॉन्ट टू बाई विच आई वॉन्ट टू बाई ठीक है अब इसी को यहां पर फोकस हमारा इट से जब शुरू होगा तो इट से शुरू होने वाले क्लाउज में ही फोकस वाला जो रहता है वर्ड और फ्रेज रहता है अगर वॉट और ऑल से बनाएंगे तो ये वाला बाद में चला जाएगा वॉट से बनाएंगे या ऑल से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वॉट आई वॉन्ट टू बाई या all I want to buy is a और इसी को अगर रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों रिवर्स करेंगे तो ये वाला हमारा जो है बाइसिकल पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में आ जाएगा अब बाइसिकल वट आई वॉन्ट टू बाय इसी को अगर मैं देर से बनाने के लिए आपको कहूं तो बना के दिखाइए देर से बनाइए बाइसिकल पे हमें फोकस करना है बना के दिखाइए देर से देर से बनाइए सारे बच्चे बनाएंगे देर से सभी लोग इंग्लिश राइटिंग के लिए जितने भी चीजें हैं ना सामग्री जो टूल्स बोलते हैं जिसको वो सारी चीजें मैं दूंगा जिससे आपका रिटेन बहुत अच्छा हो जाए और अगर बहुत अच्छा नहीं भी करना हो तो कम से कम सुनेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा समझने में दिक्कत नहीं होगा हर चीज़ आपको दिमाग में अच्छे से आएगा और मेहनत करेंगे तो सब चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं मतलब मेरे तरफ से कमी नहीं रहेगा अब आपके तरफ से आपको जोर लगाना है जितना मेहनत करेंगे उतना चीज आप प्राप्त कर सकते हैं देर से एक बार बना के दिखाइए मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं बनाइए देर से बनाइए मोहम्मद साजिब जी पूछ रहे हैं कि सेंटेंस क्लिफ्ट नहीं क्लेफ्ट लिखना है इम्फेसिस क्या मेन क्लाउज में होता है नहीं इसको आपको समझना है कि इट इज से शुरू हो रहा है तो इट इज के बाद जो आता है उस पर हम इम्फेसिस दे रहे हैं वर्ट और ऑल से अगर शुरू हो रहा है वाक्य तो सेकेंड वाले क्लाउज में इम्फेसिस आ जाएगा और अगर पहले वाले में इम्फेसिस डालना है तो वर्ट से शुरू जो कर रहे हैं उसको रिवर्स करके भी हम शुरू में रख के इम्फेसिस डाल सकते हैं इम्फेसिस हम सेंटेंस के किसी भी पार्ट पे डालने के लिए ही क्लेप्ट सेंटेंस सीखते हैं और इनका प्रयोग हम तभी करते हैं जब ज़रूरत हो हम जितने सिंपल सेंटेंस बोलते हैं सही है लेकिन जब हम स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखते हैं तो हमें वेराइटी दिखाना पड़ता है चीज़ों को रोचक बनाना पड़ता है इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है लोगों की क्रिएसिटी को टोन अप करना पड़ता है उसके लिए हमारे पास टूल्स होना चाहिए जिससे हम बहुत ही ह्यूमरसली और बहुत ही सेंसिबली चीज़ों को कह सके कभी कम शब्दों में कभी स्ट्रेस करके कभी लोगों की रुचि को बढ़ा के तो इसके लिए बहुत सारी चीजों को हमें सीखना है बेसिक फाउंडेशन चीजें तो आपको पता है ग्रामर में बहुत सारी चीजें जानते हैं कुछ कम या ज्यादा लेकिन जानते हैं लेकिन अब क्या है कि उन सब चीजों को कोई प्रयोग भी तो करना है ना कि हमें अंग्रेजी बढ़िया लिखना भी है स्टैंडर्ड बोलना भी है स्टैंडर्ड और कोई भी चीज कैसा भी स्टैंडर्ड चीज लिखा हो तो उसको हम पढ़ के समझ लें तभी तो आप में एक जो है मनुष्य होने का जो भाव है उसको सही तरीके से आप इन्जॉय कर पाएंगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को है अब जो आपने सीखा है उसको यूज में लाना है तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ देर इज अकिल विच आई वॉन्ट टू बाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बना लिया बहुत बढ़िया सबने सही बनाया है हाँ कोई दिक्कत नहीं सर देखिए मुझे पर्सनली कोई ज़्यादा ये फील नहीं होता है कितने कम बच्चा देख रहे हैं देखिए मैं अगर जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ जब मुझे पता है कि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है अब कुछ अगर कम लोग देखते हैं तो इसमें नुकसान उनका है वो मतलब एक होता है कि कम ही में रहना चाहते हैं कुछ अपने नॉलेज को एलाबरेट करना चाहते हैं तो जो बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी कोई टीचर होना चाहिए और नॉलेज लेने वाले ऐसे बच्चों की संख्या भी कम होती है नॉलेज इस तरह का देने वाले टीचर की भी संख्या कम है और निचले स्तर पे ना भीड़ ज़्यादा होता है जैसे नेता तो कम ही होते हैं क्रीम लोग कम होते हैं और नॉर्मल जो होते हैं बहुत सारे ऑर्डिनरी लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और वो ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं अपने लिमिट में ही रहना चाहते हैं उससे बाहर नहीं निकलना चाहते लेकिन एजुकेशन का जहाँ पे सवाल आता है तो अपने लिमिट को बाहर आना है देखिए ए पी जे अब्दुल कलाम कैसे थे कि उनके पास मतलब एक इतने गरीब परिवार में इतना परिवार उनका बड़ा था पेपर बेचते थे इतनी लैम्प पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई को उन्होंने समझा तो देखिए कि कितना बड़ा पोस्ट पे उनको सम्मान मिला भारत रत्न जो सिविल का सबसे बड़ा अवार्ड है वो मिला उन्हें तो हालात चाहे जो भी हो आपका सोच बड़ा ऊंचा होने की ज़रूरत है दोस्तों और जैसे मैंने कैसे बोला कि मैं कोर्स लॉन्च किया हूं ये मेरा पैसन है कि मैं इस कोर्स को इस तरह से पढ़ाऊंगा इस तरह से बताऊंगा कि सारी चीज़ों को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करूंगा और बहुत सारे बच्चों ने जो इनरोलमेंट लिए हैं ऑलरेडी मतलब काफ़ी बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं और जो बाकी बच्चा है जितना हम चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे एडमिशन इसमें ले रहे हैं हालांकि अभी एक दो दिन पहले ही हमने किया है लेकिन बहुत लोग ले रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों की जो ज़रूरत है उसको हमें पूरा करना है घबराना नहीं है संख्या बल इम्पॉर्टेंट नहीं होता है क्वालिटी इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी नहीं तो वो हम लोग के लिए कोई बड़ा विशेष मुद्दा नहीं है और जिस पोजीशन पे हम हैं सर वहाँ पे हमें ज़्यादा ये भी चिंता नहीं है कि मैं कोई बैच बनाने के लिए ही खाली आया हूँ बैच बनाना एक पर्पज़ है लेकिन आपसे जुड़ना वो मेरे लिए महत्वपूर्ण पर्पज़ है उसको हम कायम रखेंगे चलिए अगला देखिए अगला देखिए अगला वाक्य जो है इसको देखिएगा दोस्तों मैं एक मूवी देखना चाहता हूं। इसको एक सिंपल सेंटेंस में बनाइए और इसको आपको क्लेफ्ट में तोड़ना है आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी बनाइए आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी इसको बनाइए गुड इवनिंग नूर आलम जी यूसुफ खान जी थैंक यू सर आप लोग के यही अप्रिसिएशन जो है अच्छे शब्द है ना जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है बहुत मोटिवेट करता है कि मैं रोज कुछ ना कुछ इनोवेटिव और कुछ अच्छी चीजें लाके दूं और इसमें जो इस पैसन में ये मेरा पैसन है और इसमें जो खुशी मिलती है ना उसको मैं बयां नहीं कर सकता हूँ देखिए सर सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ कमाने के लिए करने के लिए वो ठीक बात है लेकिन सर मैं जो पर्सनली मैं बता रहा हूं कि वो उसके लिए तो हम यहाँ मुखर्जी नगर में बैठे हुए हैं एक अपना बैच भी बना लेते हैं तो उससे हमारा बहुत ज्यादा काम हो जाता है तो अब जो है मैं उस चीज को एक रिसर्च तक एक लेके जाना जा रहा हूँ कि हर चीज वो कौन सी चीज मैं आपको दू और किस मेथडोलॉजी से दूं कि आप सबको इतना बेहतरीन फायदा हो कि आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी अगर जाने का मौका नहीं मिला है तो वो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ को अच्छे तरीके से समझा दो चलिए मैं एक मूवी देखना चाहता हूं देर से बनाइए तो देर से बना दिया है एक बच्चा ने देयर इज अब ये प्रेजेंट में है तो इज हमने लिखा अगर वॉन्टेड होता तो क्या होता वॉच हो जाता देअर इज दैट या विच आई वॉन्ट टू वॉच मूवी दैट आई वॉन्ट टू वॉच अगर हम इट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इट लगाइए यही है. तो है जो मैं देखना चाहता हूँ अगर हम वॉट और बनाएंगे तो ये सेकेंड में चला जाएगा ये फोकस पॉइंट अगर मैं वॉट से बनाऊ तो क्या हो जाएगा वॉट आई वॉन्ट टू वॉच वॉट आई वॉन्ट टू वॉच तो क्या हो जाएगा रिवर्स करके बनाइए वॉट आई वॉन्ट टू वॉच इज अको रिवर्स करिए रिवर्स क्लेफ्ट में बनाइए बनाइए बिल्कुल सर बिल्कुल अब एडवांस सुपर एडवांस सारा चीज हो जाएगा आप जितना ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जितना भी चीज़ें जो चली है वो सारी चीज़ें आपको देंगे आप में वो सारे गुण डाल देंगे कि एक नोवेल तक लिख सकते हैं मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है अब नोवेल लिखने के लिए तो अलग ही पैटर्न चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो एबिलिटी मैं आप में डाल दूंगा कि जिससे आप किसी भी स्तर पे कोई भी बड़ा से बड़ा न्यूज़पेपर है या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी कुछ लिखना है पढ़ना है तो आप किसी से भी कम नहीं रहेंगे इतना मेरा दावा है बिल्कुल इतना मेरा दावा है कि वो सारी चीजें मैं दूंगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके यूट्यूब पे ये जो है चीजें चलती रहेगी ये रुकेगा नहीं और एक बार समय आएगा जब पूरा का पूरा हजूम हम लोगों के साथ हो जाएगा सर आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए विवेकानंद जी के पास एक सिक्का नहीं था उनके पॉकेट में लेकिन कॉन्फिडेंस था और उस कॉन्फिडेंस में जो मिरेक्कल होता है ना चमत्कार वो उन्हें सात समुंदर पार शिकागो लेके गया जहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा गारा तो ये कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है हालात चाहे जितने भी प्रतिकूल हों आपको शुरुआत में सब लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे आपके हिम्मत को तोड़ेंगे आपके मनोबल को झटका देंगे आपको कई तरह से आपके अपने सही रास्ते से भटकाने का कोशिश करेंगे लेकिन जब आप अपने रास्ते पे भरोसा है अंदर से कि हम सही हैं चलते रहेंगे तो देखिए मजबूर होके वो सारे लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे और वो सारे लोग जो आपके क्रिटिक्स हैं वो सब आपके एडमायरर बन जाएंगे लेकिन रुकना नहीं है हालात चाहे जैसे भी हों जितने भी विपरीत हालात हों रुकना नहीं है चलना है चाहे लंगड़ा के चलें घसीट घसीट के पैर को चले लेकिन चलते रहना है धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है और किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है पांव दिया चलने के खातिर पांव पसारे मत बैठो जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो है कि नहीं चलते रहना है स्वाभिमानी बनना है मैं अच्छा हूं ये स्वाभिमान की बात है और अगर मैं कि मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान है और वो अभिमान आदमी को हमेशा के लिए तोड़ देता है खत्म कर देता है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं रोज सीखूंगा रोज मेहनत करूंगा आपके साथ रोज नई नई चीजें लेके आऊंगा तो एक समय जब आएगा बहुत कम समय में हम वो चीज हासिल कर लेंगे जो दुनिया वाला सोचा नहीं होगा वो चीजें हमें प्राप्त हो जाएगी लेकिन बस एक ही एटीट्यूड होना चाहिए कि चलते रहना है रुकना नहीं है कभी भी कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो जो अपोजिशन फोर्स है वो आपको डिगाएगा लेकिन अंदर से अगर आप मोटिवेटेड हैं आप डिगेंगे नहीं और वही पथ पे हम सबको चलना है मेरे दोस्तों पढ़ाई पे फोकस रखिए हमेशा बहुत बढ़िया तो इसको अगर मैं बनाना चाहूं इसको अगर मैं वॉट से बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा वॉट आई वॉन्ट या ऑल आई वॉन्ट ये तो आपने बनाया ही अगर इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा अ मूवी इज वॉट आई वॉन्ट टू वॉच सिंपल रिवर्स कर दिए और देखिए कुछ वह पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है इसको बनाइए वह पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है सिंपल सेंटेंस तो हम बना ही रहे हैं इसको बना के देखिए कुछ और मैं बता रहा हूँ वह पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है इन सब के पीछे कुछ रीजन है इसको समझिए ही वर्क्स हार्ड फॉर मनी ये सिंपल है इसको क्लेफ्ट में बनाना है तो देखिए यहां जैसे आपने पढ़ा था ना कि ई फॉर बिकॉज़ क्लिफ्ट ई फॉर बिकॉज़ क्लिफ्ट मैंने एक बोला था कि एक टाइप होता है तो यहां है तो ये सिंपल सेंटेंस यहां पे हमारा मेन वर्ब है वो सिंपल हम हमें समझ में आ रहा है हमें सिंपल में ही चलना है लेकिन जब हमें कुछ स्टैंडर्ड चीज करना है इसमें स्ट्रेस डालना है तब हम कैसे करें तो वह पैसे के लिए काम करता है अगर हम इसको कहें कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाइए तो ज्यादातर बच्चे बना देंगे ही वर्क हार्ड बिकॉज ही नीड्स मनी समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूं ही नीड्स मनी वर्क हार्ट बिकॉज ही नीड्स मनी अब यहाँ पे एक ये क्लाउज हो गया मेन और ये हो गया हमारा सबॉर्डिनेट तो ये भी आपको पता है लेकिन अब हम जो तीसरा चीज पढ़ रहे हैं कि इस पर इम्फेस डालना है तो इम्फेसिस डालना है तो हमें कैसे डालना है तो इफ और बिकॉज साथ में लिखा हुआ है तो पहला जो रीजन है ना इसको पहले इफ के साथ रखिए कंडीशन को कंडीशन को इफ के साथ रखी तो कैसे बनेगा तो यहाँ पे स्ट्रेस हमें डालना है यहाँ पे डलेगा बिकॉज तो कारण बता रहा है इसी कारण पे हमें इफ बिकॉज क्लेफ्ट में डालना होता है इट लगा के तो इफ ही अगर वह मेहनत करता है तो बस ये ही कारण है कि उसे पैसा चाहिए इफ ही हार्ड अब यहां से हम पैसे डालेंगे इट इज से और बाकी जो कहते हो छोड़ दीजिए इट इज बिकॉज ही नीड्स मनी तो इसी को इफ बिकॉज़ सेंटेंस कहते हैं सही तो है जरा एक सेंटेंस आप बनाइए देखिए वह आई अधिकारी बनने के लिए पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है बताइए तो यहां पे भी कारण है वह आई अधिकारी बनने के लिए पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है तो वह पढ़ाई कर रहा है एक सिचुएशन हो गया और कारण ये है कि वो आई अधिकारी बनना चाहता है तो बिकॉज वाला जो है ये है ये है कि वह बनना चाहता है तो है तो इसको सिंपल में अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ही इज वर्किंग हार्ड और इफ बिकॉज क्लेप्ट सेंटेंस से बनाना है ही इज वर्किंग हार्ड फॉर बीइंगर ही हार्ड फॉर बींग एन आई एस ऑफिसर ये सिंपल सेंटेंस है दोस्तों एक मेन वर्ब हुआ और एक हेल्पिंग वर्ब हो गया अब इसको इफ पिकॉज वाला सिचुएशन है इसमें हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे जोड़ देना है युवा मेहनत कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वह आई ऑफिसर बन सके जोड़ दे के बोलना है अब इस तरह के स्ट्रक्चर को अगर आप लिखेंगे तो सामने वाला जरूर कहेगा कि भाई बड़ा ब्रिलियंट आदमी है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं लिखने के समय वही जो बचपन से जो चीज़ सीखे हैं ना उसी से काम चलाते रहते हैं काम चलाते रहते हैं वही वर्ड वही सिंपल सेंटेंस उसमें भी दो तो चार पाँच गलतियाँ तो जब आप दुनिया से कुछ अलग कर ही नहीं रहे हैं तो दुनिया आपको याद क्यों करेगी सिंपल सी बात है आप दुनिया से अगर अलग करेंगे अपने जो औकात है उससे ऊपर करेंगे तभी तो लोग नोटिस करेगा आप वही काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं हजारों लाखों लोग वही एक ही चीज पढ़ा रहे हैं तो श्याम शर्मा कैसे बनेगा अगर श्याम शर्मा को अलग पोजिशन चाहिए तो फिर श्याम शर्मा को भी मेहनत करना पड़ेगा और जितने भी टीचर हैं उनको भी मेहनत करना पड़ेगा कुछ नई चीज बतानी होगी नए तरीके से बताना होगा कुछ अपने लेवल को ऊपर लेके जाना होगा इसमें मेहनत लगता है लेकिन जो करता है वही हजारों लाखों में एक होता है और फिर वो उसका रिस्पेक्ट होता है का नाम होता है तो ये आपको भी करना है आपको भी बनना है तो आपको कमर कसना होगा मेहनत करना होगा चलिए बना के दिखाइए तो so सिचुएशन है कि वह पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है अगर ऐसा कर रहा है इफ ही इज वर्किंग हार्ड सॉरी स्टर्डिंग ऑनेस्टली होना चाहिए ना यहां ए स्टडिंग ऑनेस्टली इफ ही इज स्टडिंग ऑनेस्टली if he is studying honestly देखिए एक ये कंडीशन हो गया कि अगर वह पढ़ाई कर रहा है इफ से किसी भी टेंस में बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, में जरूरत के हिसाब से if he is studying honestly अब यहाँ पे एम्फेसिस इस पे देना है इट इज बिकॉज़ बिकॉज़ के पहले इट इज खाली लिख देना है इट इज बिकॉज़ ही वांट्स टू बी एन आई एस ऑफिसर है? अगर वह ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है तो वो सिर्फ यही वजह है कि वो आई ऑफिसर बनना चाहता है तो ये सिंपल सेंटेंस को हमने दो क्लाउज में तोड़ा और इम्फेसिस डालने के लिए इट का प्रयोग किया ऐसे करके बनाते हैं तो दोस्तों आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा और बहुत कुछ आपने गेन किया होगा आज की क्लास से भी तो आप उम्मीद करें और आपकी उम्मीद पे मैं हर बार पूरा उतरूंगा हमेशा मेहनत करूंगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो नई नई जानकारी मैं दूंगा ताकि जिन लोगों का लेवल अच्छा बना हुआ है उनके लेवल को और ऊपर लेके जाए ताकि अभी उनको ये फील ना हो कि मैं तो बहुत कुछ जान गया मैं तो सब कुछ जानता हूँ तो अच्छा बात है स्वाभिमान की बात है लेकिन मैं ही सब कुछ जानता हूँ ये अभिमान हमारे अंदर में नहीं आना है इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते रहने का जो है एक जीवन में जीवन में फलसफा सफल का वही आधार होता है, है। वो हमें बनाए रखना है। और बहुत मैं प्रसन्न हूं आप सभी लोगों से जितना बढ़िया फॉलोइंग पावर है कि इसका कोई जवाब नहीं है और मैं आपके साथ बहुत इंजॉय कर रहा हूं बहुत मजा आ रहा है और आप ऐसे ही साथ बनाए रहें ताकि मेरा जो कुछ देने का इच्छा है अंदर में कुछ आपको इम्पार्ट करना चाहता हूँ एक सही चीज़ वो मैं तभी दूंगा जब सामने लेने वाले का भी उस तरह से एबिलिटी है तो ये तो मैं पहले ही बोल दिया कि मैं बहुत प्रभावित हूँ आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और बहुत सही तरीके से चीज़ें चल रही है कहीं पर भी कोई निराशा वाली बात नहीं है नूर आलम जी अभिवादन मेरे तरफ से भी आप सभी लोगों का जो आप लोग इतना अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मुझे और आप हौसला बढ़ा रहे हैं और आपके एक एक लाइक या एक एक जो अच्छे वर्ड होते हैं काइंड वर्ड होते हैं वो मुझे मोटिवेट करता है और बढ़िया से बढ़िया चीज़ देने के लिए ताकि आपके जरिए और लाखों से लाखों संख्या में बच्चों तक पहुंचूं और ये मेरा जो सपना है मेरा जो मिशन है ये कामयाब हो के रहेगा और इस पर मुझे हंड्रेड परसेंट भरोसा है इसमें जरा सा भी कोई भी कितनी परिस्थिति हो तो मैं बिल्कुल एकदम तूफान में भी चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा क्योंकि मैं अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ अपने काम के प्रति इतना पैशनेट होता हूँ कि मुझे कोई चीज़ बाहरी दुनिया हमें डिगा नहीं सकती क्योंकि अंदर की दुनिया में मैं रहता हूँ बाहर की दुनिया में मैं ताक झाक नहीं करता अंदर की दुनिया से ही मैं इतना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हूँ अंदर से वो जो प्रकाश आ रही है वो मुझे कह रही है कि नहीं जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करते रहो करते रहो और यही बात अपने लोगों को भी बताएं जैसे आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं कि नहीं अपने मन का सुनिए जो आपको लगता है कि ये सही है जैसे ईसा मसीह पे लोग कैसे पत्थर फेंकता था उनके बिलीफ को लोग गलत मानते थे लेकिन उनके खुद के बिलीफ पे उनको बिलीव था वो चलते रहे चलते रहे लोग पत्थर मारते रहे लेकिन फिर अपना जब डिगे नहीं अपने पति, से तो एक एक करके एक एक करके सब लोग जुड़ते गए और फिर कारवा बनता गया तो वही चीजें हो रही है सर आज हमारे पास थोड़ा सा भी अगर एप्रिशिएशन करने वाले इतने सारे लोग हैं तो ये हमारे लिए बहुत हैं। आप 10, 20, 50, 100, 200 जो भी लोग हैं ना हमारे लिए लाखों से बढ़ के हैं हमें तो अच्छे लोग की जरूरत है बढ़िया लोगों की जरूरत है जिनको कुछ समझ है बढ़िया से और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनकी समझ की मैं तारीफ करूंगा हमेशा क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को परख पर, रहे हैं और ज्ञान से ज्ञान का जो आ, रोज धीरे 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 अपना नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं और यही तो मेरी खूबी है यहाँ पे मुखर्जी नगर में भी मैं हूँ आज तक ना बोर्ड ना बैनर ना पोस्टर फिर भी बच्चों का भीड़ लगा हुआ सीढ़ी पे बच्चा बैठा हुआ है नीचे बच्चा बैठा हुआ है क्यों क्योंकि श्याम शर्मा के यहाँ से मेरा भाई चाचा मौसा पता नहीं कितने लोग इंस्पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर आई ए एस आई पी एस कितना बन के निकले हैं सी ए पी एफ और ये सब हजारों हजार के संख्या में चाहे किसी भी मंत्रालय में चले किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में मेरे बच्चे मिलेंगे इसलिए नहीं कि बोर्ड और बैनर से कुछ होता है ये सिर्फ कलम की ताकत होती है पढ़ाई का जो आप पढ़ाते हैं उसमें क्लैरिटी होना चाहिए ऐसे नहीं कि बच्चों को गोल 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 घुमा के पूरा कन्फ्यूजन से दिमाग में भर दिया ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है और खुद के अंदर में जब क्लैरिटी रहेगा ना तो सामने वाले को नींद में भी समझा सकता है ये चीजें आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय जै भारत भारत माता की जय वंदे मातरम